अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, आइए चलते हैं, बात करते हैं पेट्रोल की नई कीमतों के हवाले से। आपको पता चलें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और हुकूमती ज़राए के मुताबिक जो है 1 अगस्त 2024 से पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में जो है आइंदा 15 रोज़ के लिए जो है वो कमी मतवक्के है। तो आइए इसकी तफ़सीलात आपको बताते हैं मुकम्मल तौर पर। आपको बता दें कि 1 अगस्त 2024 से अगले 15 रोज़ के लिए जो है पेट्रोल की कीमत में मुकम्मल तौर पर 3 रुपये और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपये और 50 पैसे जो है वो कमी हो सकती है, क्योंकि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें जो है वो 15 दिन के दौरान जो है बिलतरतीब $2 और $3 फ़ी बैरल जो है वो कमी हुई है। तो इस तरह से हुकूमत जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी कर सकती है। तो इसका हतमी फैसला तो जो है वो जब वगैरह समझ भी जाता है उसके बाद जो है वो वज़ीर आज़म करते हैं तो या वज़ारत पेट्रोलियम करती है। तो इस हवाले से वो बता दें कि आइंदा 15 रोज़ के लिए जो है वो 1 अगस्त के बाद कीमतें जो है पेट्रोलियम की वो कम होने जा रही हैं। अगर देखा जाए तो इससे पहले हुकूमत ने बड़ी ज़्यादा जो है वो इसमें इजाफ़ा किया था, तो जिसके बाद जो है महंगाई में इजाफ़ा हुआ है। अगर इस जो कि अभी कमी की जा रही है बहुत कम है, वैसे तो अगर ज़्यादा कमी की जाए तो महंगाई जो है वो कम हो सकती है। पहले ही आवाम जो है वो बिलों की वजह से परेशान है। तो ये चलते हैं, वो ये बताते हैं कि नई कीमतें क्या होने जाएंगी, पहले कीमतें क्या हैं। तो फी लीटर जो है वो इस वक्त अगर देखा जाए तो अगर 2 रुपये 90 पैसे कम होते हैं, 8 रुपये 50 पैसे जो है वो फी लीटर जो है डीजल में कमी होती है। इस वक्त जो है पेट्रोल की फी लीटर कीमत जो है वो 272 रुपये और 60 पैसे है, जबकि डीजल की फी लीटर कीमत जो है वो 284 रुपये फी लीटर है। अगर कीमतों में कमी होती है तो नई मतवक्के कीमतें जो होंगी वो पेट्रोल की फी लीटर 272 रुपये होगी से, और जबकि जो डीजल की कीमत है वो 275 रुपये फी लीटर के करीब हो जाएगी। तो इस तरह से जो है वो गुज़श्ता जो 15 रोज़ हैं उसके दरमियान आपको पता है कि बताया गया पहले भी कि पेट्रोल की औसत कीमत जो है वो 99.50 डॉलर फी बैरल से कम होकर $87.50 फी, जबकि डीजल की कीमत जो है वो 96.93 से कम होकर $94 फी बैरल हो चुकी है। तो इस तरह से हुकूमत से उम्मीद है कि वो पेट्रोलियम मसनूआत कीमतें कम करेगी। हो सकता है कि कीमतें ना भी कम करे और यही कीमतें भी रहने दे। शुक्रिया जी।